ये इनकी गाड़ी है, मेरी गाड़ी नहीं है। तो बोले तुम चलाओ, आज मैं व्लॉग बनाऊंगा। तो आज मेरा भाई व्लॉगर बनने जा रहा है। कोई हंसी नहीं उड़ाएगा, कोई भी हंसी नहीं उड़ाएगा। ये देखो यहाँ पर एक्सीडेंट कैसे होते हैं, एक गाड़ी नहीं, दो दो तीन तीन चार चार गाड़ियां रुकी पड़ी है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल। हूँ आपका तानिश और आप देख रहे हैं ब्लॉग। सो गाइस, अभी आपको बता दो टाइम हो रहा है सुबह के 8:15 बज रहे हैं। और जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि डेली जो है मैं सुबह सोता हूँ, तो अभी टाइम हो रहा है सुबह का 8:15। और आज इत्तेफाक ऐसा हो गया कि ड्यूटी लग गई आज सुबह। अभी मैं लगभग 2.5-3 घंटे पहले सोया था, आँख एकदम लाल है। अगर मुझे मालूम होता मैं जल्दी सो जाता था। आज मैं ये बोल सकते हैं मैं पहली बार पबजी खेल रहा था, मतलब पहली बार का मतलब सऊदी अरेबिया आने के बाद मैं सोचा ऐसे भी ड्यूटी लग नहीं रही दोपहर में, तो सुबह सो जाऊंगा। ऐसा हुआ आज मैं रात भर पबजी खेला और आज ड्यूटी लग गई। अब मुझे नहीं मालूम कहाँ जाना है कहाँ नहीं। मोहम्मद इब्राहिम कहीं जा रहे हैं, अब कहाँ जा रहे हैं, शायद यूनिवर्सिटी जा रहे हैं इसी काम से, शायद मोहम्मद के एडमिशन के लिए हो सकता है, क्योंकि मोहम्मद ने अपना स्कूल ख़त्म किया है तो यूनिवर्सिटी जाएगा। तो एनीवेज जो भी लोग बताएंगे, फ़िलहाल तो चलते हैं, जो भी लोग बताएंगे आप लोग को। चलो सो गाइस, अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं इस कॉलेज में, और ये कॉलेज शायद इस साइड में एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के जस्ट बगल में ये कॉलेज है। और शायद जिसने मुझे लड़कों ने बताया था कि ये जो कॉलेज है टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, मतलब कि शायद जहाज़ वगैरह का कुछ भी रिपेयरिंग वगैरह का इंस्टीट्यूट है ये। तो यहाँ पर अभी आया हूँ मोहम्मद इब्राहिम को लेके, और इसके जस्ट बगल में ये ट्रेन की पटरी है, देख सकते हैं ना, ये ट्रेन की पटरी जा रही है। आप लोग को जनरली ट्रेन की पटरी देखने नहीं मिलेगी यहाँ पर, लेकिन ये है वन एंड ओनली वन, जो कि रियाज से अल कासिम जाती है ट्रेन। और यहाँ पर इतना ज़्यादा खुला हुआ है, आप देख सकते हैं पूरा, कुछ दूर दूर तक कुछ है ही नहीं, पूरा खुला हुआ है। इसकी वजह से बहुत तेज़ हवा चल रही है, इतनी तेज़ हवा चल रही है, नॉर्मल तो हवा गलियों में चलती है, लेकिन यहाँ इतनी तेज़ हवा चल रही है कि मेरी गाड़ी हल्की हिल रही है। अब अभी ये घर से है लगभग 22 किलोमीटर दूर, अगर इसका एडमिशन यहाँ पर हो गया तो फिर डेली इसको यहाँ छोड़ने आना पड़ेगा, मोहम्मद को, इब्राहिम का। तो आज से लगभग 1 साल पहले मैं यहाँ पर आया था, चाहे आप लोगों ने देखा होगा अगर मुझे फॉलो करते होंगे तब। तो 1 साल पहले मैं इब्राहिम को लेके आता था यहाँ पर, लेकिन उसका एडमिशन यहाँ पर नहीं हो पाया था। अभी लेके आया मोहम्मद को, तो मोहम्मद का एडमिशन देखते होता है कि नहीं होता है, नहीं होगा फिर कहाँ होगा देखेंगे, लेकिन अभी तो आया है मोहम्मद के लिए, देखते हैं। कभी निकलते हैं यहाँ से, कभी नहीं, 10 मिनट में निकल आए, 10-15 मिनट लगता है, आज कितना टाइम लगेगा नहीं मालूम, लेकिन नॉर्मली अक्सर ऐसा होता था कि 15 मिनट के अंदर निकल आता था। देखते हैं, वेट करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं अभी मोहम्मद और इब्राहिम लोग के साथ गया था, तो अभी मैं वापस आ गया हूँ। अभी टाइम हो रहा है 10:30 बज रहा है, तो अभी मैं इस टाइम पे सोता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सुबह मैं सोता हूँ, दोपहर तक मैं सोता हूँ, लेकिन अब उठ गया हूँ तो नाश्ते का टाइम है, चलते नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता क्या करेंगे, मैंने कल शाम को कढ़ी बनाई थी, तो कढ़ी खाएंगे, चलते पराठे लेके आते हैं और चाय ले लेंगे, कहाँ रूम पर बनाऊँ, पराठे चाय लेते हैं और यहाँ पर आके कढ़ी खाएंगे, सब्जी भी रखी है, खाएंगे पियेंगे सोएंगे, आँख एकदम लाल है, खाएंगे पियेंगे सोएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या है क्या नहीं। भाई तो हमारे साथ है फाजी ब्रो, फाल नींद कैसी हुई, नींद सोया नहीं, बोल ही सकता रहा दिल लुटे हंसी के भैया। वैसे तो पोइट्री बहुत पसंद, पोइट्री पसंद सबको पसंद है, तो अपने वो करना पसंद है, इनको सुनना पसंद है। वैसे तो इनको भी सिखा दे रहे हैं पोइट्री करना, कहाँ चल रहे हो, पहले इंक्वायरी कर रहे हैं यार, क्या कैसे इस पे हो जाएगी, हाँ हो जाएगी। तो अभी एटीएम में आए हैं बैलेंस इंक्वायरी करने के लिए। यहाँ पर एटीएम देखो, आपको उतरना नहीं है, गाड़ी में बैठे बैठे सब कुछ हो जाएगा, मुझे उतरना पड़ेगा। ओह इनका शीशा खराब है वाला, अब इनको उतरना ही पड़ेगा, ऐसे शीशा खोल के फटा से इंक्वायरी कर लो, अब इनको उतरना पड़ेगा। भैया भाई साहब, सुबह अभी
10 बज रहे हैं और इतनी गर्मी हो गई ना, क्या ही बोला जाए अभी से। टेम्परेचर 43 टेम्परेचर, वो तो तुम्हारी कार में थोड़ा डिफरेंट दिखाता है, फोन में देखते कितना हो रहा है। भाई साहब टेम्परेचर 41 टेम्परेचर अभी रियाद का, 41 सुबह 10:30 बजे, देख रहे हो 41 टेम्परेचर। ओए होए होए होए, सुबह के ये हालात है तो दोपहर में क्या होते होंगे। दोपहर लगभग 2 बजे से लेके 5 बजे के बीच में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, 41 टेम्परेचर है। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है शाम के लगभग 7 बज रहे हैं और अभी टाइम है चाय का, तो अभी मैं जा रहा था चाय पीने के लिए। भाई बोले कि भाई अभी मैं बहुत तलब लग रही है चाय पीने के लिए, तो चलते चाय पीने के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं चाय पीने के लिए, चलते हैं चाय पी के आते हैं। ये इनकी गाड़ी है, मेरी गाड़ी नहीं है। तो बोले तुम चलाओ, आज मैं व्लॉग बनाऊंगा। तो आज मेरा भाई व्लॉगर बनने जा रहा है। कोई हंसी नहीं उड़ाएगा, कोई भी हंसी नहीं उड़ाएगा। तो चलो शुरू करो व्लॉग। पहचान तो लिया होगा आपने मुझे। नहीं। तो आज हमने इनको कहा कि गाड़ी चलाएं और मैं बातें करता हूँ सबसे। शाम का टाइम है तो सर में दर्द हो रही थी, तो चाय के बगैर ख़त्म ही नहीं हो सकती, तो अब सबको मालूम है। और इंडिया पाकिस्तान और बंगाल में तो कॉमन है, कुछ भी हो चाय है, बात क्या नहीं। सर्दी हो रही है चाय बनाओ, गर्मी हो रही है चाय बनाओ, बारिश हो रही है चाय बनाओ, टेंशन हो रही है चाय बनाओ, नींद आ रही है चाय बनाओ। अच्छा अबे कैमरा देख कर, कैमरा कैसे पकड़ो कैमरा। चाय तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है लाइफ में। नाइस मूव। आपका आज का सफर अच्छा रहेगा मेरे संग, को मजा आएगा। चाय के टॉपिक पे बात हो रही थी। दानिश भाई को आके बोलोगे यार गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गया तो बोले आप तुझे चाय पिलाने ले जाऊं। एवरीथिंग में चाय इन्वॉल्व है। चुप, बिल्कुल चुप। लव है अपना चाय। हम जा रहे हैं अपने फेवरेट होटल पे। गर्मी देख रहे हो कितनी है, ये पौधों का देख रहे हो क्या बना हुआ है, कीमा बना हुआ है, पेड़ सड़ गए हैं, जल के गिर गए हैं, इतनी गर्मी पड़ती है। इतनी गर्मी होती है यहाँ पर, वो भी इतने बड़े बड़े पेड़, वो छोटे मोटे पेड़ नहीं है। कुछ भी हो शाम का टाइम अपना लेवल है, उसका सुकून देता है। सबसे मुश्किल काम है यहाँ पार्किंग ढूंढना, हर टाइम रश लगा रहता है। वेन रो आगे से उटर मार के आना पड़ेगा यार, पार्किंग किधर है? बोला ना पार्किंग का बहुत झंझट है यहाँ पे। A few moments later. चलो वापिस हमारे तरफ आओ, क्योंकि ये सिर्फ बीसी कर रहे थे अभी। इनका अभी इनको कैमरा ठीक से पकड़ना तो आया नहीं है, शॉट कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं। सही सही हो तो बताना, ठीक है इनको बता देना कमेंट करके, क्योंकि कमेंट रीड करते हैं अक्सर, बताना कैसा बनाया कैसा नहीं। आसाने के लिए देख लो भाई साहब, इतनी व्यवस्था है खाली नाश्ते के लिए। भीड़ देखो, भीड़ की हालत देखो खाली। ये देखो यहाँ पर एक्सीडेंट कैसे होते हैं, एक गाड़ी नहीं दो दो तीन तीन चार चार गाड़ियाँ रुकी पड़ी हैं। अभी वापसी में दिखाते हैं आप लोग, अभी यूटर्न मार के आता हूँ। देखिएगा ये लोग को, यहाँ पर एक नहीं 5 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है और सब रोड के नीचे उतर गई है। 1 2 3 4 5 गाड़ियाँ, 6वीं भी है, 5 गाड़ियों का एक्सीडेंट है। अगर ये कोई बोले कि अरे यार कोई से 5 गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, तो इट्स नॉर्मल इन सऊदी अरेबिया, इन गल्फ कंट्री, आउटसाइड ऑफ इंडिया। कहीं पर भी आउटसाइड जाओगे तो वहाँ पर रोड की स्पीड इतनी होती है कि एक एक्सीडेंट होता है तो 3 का और हो जाता है, तो कंट्रोल नहीं हो पाती ना भाई, स्पीड इतनी ज़्यादा है रोड की। अब यहाँ पर कोई स्पीड लिमिट नहीं है इस रोड की, क्योंकि ये रोड वर्किंग है, वर्किंग प्रोग्रेस। तो यहाँ पर भी स्पीड कैमरे भी लगाए गए, ना ही कोई डिवाइडर वगैरह बनाया गया है। लोग अल्लाह तुल घोड़े की माफिक भागते हैं, भागो अक्सर यहाँ पे एक्सीडेंट होता है। आज 5 गाड़ियों का हुआ। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है रात के लगभग 11:30 बज रहे हैं और मैं घर से लगभग निकला था कुछ
9:30 के आसपास मेरे कफील मतलब घर से लगभग सभी लोग निकले हुए हैं, शायद किसी चीज़ का सेलिब्रेशन किस चीज़ का मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अभी पीछे एक बरेरा होटल है तो मैंने वहाँ पर उन लोग को छोड़ा है। तो मैं अभी पार्किंग किया वहाँ पर, होटल के बाहर पार्किंग थी नहीं, कोई बड़ी होटल है वहाँ पार्किंग थी नहीं, तो मैं अभी यहाँ पर पार्क में आके पार्क के सामने लगा के खड़ा हूँ। देखो कितने बजे निकलते, 11:30 बज गया है और शायद कुछ खबरी है जिसकी वजह से अभी कंफर्म नहीं, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ ज़्यादा, लेकिन शायद ऐसा कुछ है इसलिए पार्टी हो रही है। ये देखो ये पूरा पार्क है, मतलब पार्क बोले तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा घास वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चे लोग अपनी स्केटिंग्स वगैरह और जो स्कूटर्स वगैरह है वो सब चलाते हैं यहाँ पर। और ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे औरतें भी रहती है ना, इसकी वजह से औरतों की वीडियो बनाना अच्छी बात नहीं है, समझते हो ना, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। लेकिन फिर भी एनीवेज थोड़ी बहुत तो बना के दिखाई सकता हूँ आप लोग को क्या है क्या नहीं। तो यहाँ से लेकर बहुत बड़ा पार्क है, अभी ऐसा पार्क हो सकता हम लोग के घर की तरफ बनेगा, लेकिन उसको बनने में कम से कम 1 से 1.5 साल जाएगा। अभी जगह छोड़ दी गई है लेकिन अभी बनना बाकी है। भैया जी अभी रात के बज रहे हैं 1, अभी मैं जस्ट आया हूँ कहाँ से बुड्ढे लोग के साथ, अभी चलते हैं खाना लेते हैं, रोटी लेते हैं उसके बाद खाते हैं। तो कहो अल्लाह का शुक्र है दाल बनी हुई रखी थी, अभी रोटी लेने के लिए आए 1 बजे रात में 1। तो भैया जी कैसी है भूख? भूख बढ़िया है, अभी बात हुई है उससे। 1:15 बज गया, अभी रोटी लिया है, अब जा रहा हूँ खाना खाने, दाल वाल गरम करूँगा, अब खाएंगे खाना। ये होती है सऊदी अरेबिया में हाउस ड्राइवर की लाइफ। वैसे क्या ही बोला जाए, ना ही बोला जाए तो ज़्यादा अच्छा है, बोले कुछ फ़ायदा नहीं है। चलो चलते हैं, दाल गरम करते हैं, खाना खाते हैं। बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाया नहीं है ना ही कुछ पिया है, ज़िंदगी झंड हुई पड़ी है। किस टाइम खाना खा रहे हैं? अपने घर में नवाब बने रहते थे, अपने घर में नवाब बने रहते थे, घर के नवाब बाहर के खाना ही मिला अभी तक। खाना कहाँ है? खाना कहाँ है? घर में ऐसे बोल देते, घर में ऐसे बोल देते खाना कहाँ है? यहाँ पर मन हो तो बना लो वरना सो जाओ। इसे